विल सी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि किसकी रैंक ऊपर है किसकी रैंक नीचे है। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? सो इट इज रिलेटेड टू द रैंक एंड ऑर्डर ऑफ ऑफिशियल। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट क्या ऑर्डर है ऑफिशियल का, रैंक किसकी ज्यादा है? जैसे प्रेसिडेंट की रैंक वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा, वाइस प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। तो ये सिर्फ सेरिमोनियल ओकेजंस के लिए होता है। सपोज कोई इवेंट हो रहा है तो वहां पे सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी? प्रेसिडेंट को। तो ये सेरिमोनियल ओकेजंस के लिए होता है, डे टू डे बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। बस सबसे ज्यादा रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन सेरिमोनियल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो ये नोटिफिकेशंस, ये इशू आता है 1979 में, ठीक है? जो भी इससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन थे वो सारे खत्म हो गए थे एंड इसको बहुत बार अमेंड करा जा चुका है। तो अभी 2019 का वर्जन है। सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर्स, ठीक है, ऑफ द स्टेट जो अपनी ही स्टेट्स में है, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। प्रेसिडेंट के बाद आएगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा की रैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर, तो दिस इज करेक्ट। स्पीकर की रैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है। उसके बाद आता है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो अपने स्टेट्स में है, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एंड नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर पूछा जाए लीडर अपोजिशन जो राज्यसभा लोकसभा में, उनकी रैंक किसके बराबर है? तो उनकी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर है। इवन जो नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन होता है उसकी भी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। नीति आयोग का चेयरपर्सन की रैंक काफी हाई है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। और जो चीफ मिनिस्टर अपने ही स्टेट्स के अंदर है उनकी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। तो चीफ मिनिस्टर की रैंक यूनियन में जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके बराबर होती है। फिर उसके बाद आते हैं होल्डर्स ऑफ भारत रत्ना, जो भारत रत्न होल्ड कर रखा है उन्होंने। फिर अम्बेसडर्स आते हैं जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अम्बेसडर है वो। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, अपनी स्टेट के बाहर जो चीफ मिनिस्टर्स है वो, और वो गवर्नर्स जो अपनी स्टेट से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के गवर्नर अगर यूपी में जाते हैं तो वहां पे उनको 8th नंबर पे रखा जाएगा, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में ही है तो उनको 4th नंबर पे रखा जाएगा। मतलब 8th नंबर पे अगर अपनी स्टेट से बाहर है, और 4th नंबर पे अगर अपनी स्टेट से अपनी ही स्टेट्स में है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के तुरंत बाद गवर्नर आएंगे उस स्टेट के। फिर हमारे आएंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तीनों 9A पे है और इन तीनों का ही टर्म 6 ईयर प्लस 65 ईयर्स होता है, याद रखना। यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, कैग। फिर आते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ नीति आयोग एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन। एंड फिर आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर विद इन द रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, चीफ ऑफ द स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ द फुल जनरल ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक एंड एंजॉय एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड मिनिस्टर प्लानिंग पोटेंशियली एक्रेडिटेड टू इंडिया। तो चेयरमैन एंड स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन। देन हमारे आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर इन द स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर दिल्ली एंड विद इन द रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द यूनियन एंड ऑफिशिएटिंग चीफ ऑफ द स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल एंड इक्विवेलेंट रैंक, एंड देन चेयरमैन ऑफ द कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कास्ट, एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन एंड कुजीन जज ऑफ द हाई कोर्ट विद इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन। से होते हैं प्यूनी, इसको बोलते हैं प्यूनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, प्यूनी जज ऑफ द हाई कोर्ट विद इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन। जो लोअर रैंक के जजेस होते हैं प्यूनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, यहाँ पे ये एस साइलेंट होता है, प्यूनी जजेस ऑफ हाई कोर्ट। Then cabinet minister of the states outside the respective state, chairman and speaker of the state legislature outside the respective state, and there is a chairman of monopolistic and trade or restrictive trade practice commission, deputy commissioner and deputy speaker of the state legislature within the respective state, minister of the state in the states within the respective state, minister of the united states, executive councilor of Delhi within their respective united states, speaker of the legislative assembly in the united states, chairman of the Delhi metropolitan council within the respective united territories, chief commissioner of the union territories not having council or minister within the respective union territories, deputy minister in the state within the respective states, deputy speaker of the legislative assembly in the union territories and deputy chairman of the metropolitan council Delhi within the respective UT, and deputy chairman, deputy speaker of the state legislature outside the respective state, minister of the state of the, outside the respective state. Then puni judges the high court outside the respective jurisdiction, members of the parliament, the members of the parliament 21 number pe aa rahe bahut niche, the deputy minister of the state outside the respective state। फिर उसके बाद आते हैं हमारे आर्मी कमांडर, वाइस चेयरमैन ऑफ आर्मी स्टाफ्स,
नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के ऑफिसर्स, और फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिसर, उसके मेंबर्स, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, सेक्रेटरीज जो है माइनॉरिटी कमीशन की, एंड इनके सेक्रेटरीज जो भी है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी ये सब 23 नंबर पे आ रहे हैं। एंड कैट के वाइस चेयरपर्सन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रैंक के होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड हमारे कंट्रोलर नॉट डिप्टी कंट्रोलर नॉट रीजनल, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस, इतना कुछ याद नहीं रखना है, मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हल्का फुल्का देख लेते हैं, एंड जॉइंट सेक्रेटरीज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे लास्ट में आते हैं जॉइंट सेक्रेटरी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिसर ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक, एंड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द मेजर जनरल इक्विवेलेंट रैंक। सो वी विल ट्राई टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, अभी जो हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस से याद होंगे बिकॉज वी कैन नॉट रिमेंबर, वी कैन नॉट मग इट अप। तो हमें रिलेटिव पोजीशन याद रखनी है, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, ये इक्वल रैंक है विद द कैबिनेट मिनिस्टर, एंड अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर की रैंक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक से ऊपर आती है। तो तीन तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, उसके बाद आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, देन द थर्ड नंबर पे देयर इज प्राइम मिनिस्टर, सो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, सो हु इज एट द फोर्थ नंबर, सो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, यस, तो दीज आर गवर्नर्स, तो स्टेट लेवल पे जैसे सेंटर पे होता है प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर, तो गवर्नर हमारा आता है फोर्थ नंबर पे, तो हु इज एट द फिफ्थ नंबर, तो हु इज एट द फिफ्थ नंबर, तो हमने पहला देखा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एंड देन वी हैव करेंट सर्विंग गवर्नर, अपने जो स्टेट्स में सर्व कर रहे हैं वो गवर्नर, एंड एक बार जो प्रेसिडेंट बन जाता है वो उससे नीचे वाली पोस्ट पे नहीं जाता है दोबारा, ऐसा नहीं कि कोई प्रेसिडेंट बन गया उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा या वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन गए तो आप या तो प्रेसिडेंट बनोगे या फिर कुछ नहीं बनोगे, रिटायरमेंट ले लोगे। तो यहाँ पे हमारे आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, इवन फॉर्मर प्रेसिडेंट की जो वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट, हु इज एट द सिक्स्थ नंबर, इसको बाद में ऐड किया गया था 5A, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सिक्स नंबर पे थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने 5A बोलते थे, क्योंकि इनको बाद में इनकी इंपॉर्टेंस, लाइक कई बार क्या होता है दो लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोजीशन है कि दोनों लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तो एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, दूसरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो ये आता है 5A, इनको भी अच्छी पोजीशन देने की कोशिश की है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन वी हैव गवर्नर, गवर्नर के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, एंड देन अभी है 5A नंबर पे जो बाद में ऐड किया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो दो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, अब दोनों को बनना है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तो उनको फॉर्मर प्रेसिडेंट के थोड़ा नीचे रखा गया। अब नाउ हु इज एट द 5A के बाद, सपोज 6 आता है तो हु इज एट द 6th नंबर, वैसे 7 नंबर होगा लेकिन यहाँ पे 6 नंबर लिखा है बिकॉज 5A बाद में ऐड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इसके बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसी रैंक पे आते हैं स्पीकर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर, इसके बाद कौन आते हैं स्पीकर के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर है अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर के रैंक के नीचे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। इवन लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में एंड राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी भी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर ही है, और जो स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी भी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट्स में उनकी रैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर से नीचे होती है। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑफिस है, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन जो है, नीति आयोग के चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, उनकी रैंक ये 7 नंबर पे आती है। तो हमने देखा अभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन वी हैव प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर, गवर्नर के बाद वी हैव डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, नो गवर्नर के बाद वी हैव फॉर्मर प्रेसिडेंट याद रखना, उसके बाद है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर, एंड देन वी हैव 7th रैंक। तो यहाँ पे ये तो 5A हो गया, ये 6 हो गया, ये नाउ 7th रैंक में बहुत सारे लोग हैं, एक तो 7th रैंक में कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, एंड जो लीडर अपोजिशन है लोकसभा एंड राज्यसभा में वो भी कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं, एंड देन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, यार ये आ गए 7th नंबर पे। नाउ हु इज एट द 8th नंबर, इनके बाद अब इसके बाद आते हैं जिनको भारत रत्न मिला है,
अभी तक हम सारी पॉलिटिकल पोल्स देख रहे थे, अब यहाँ पे जिनको भारत रत्न मिला है वो 8 नंबर पे आते हैं, ना हुए इज द नाइन्थ नंबर। फिर यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ के एम्बेसडर है और ऊपर से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जो अपनी स्टेट्स के बाहर है, सपोज प्राइम सपोज मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हमने देखा था यूपी में जा रहा है, तो वो 9th नंबर पे आएगा। और ऐसे 8th नंबर पे भारत रत्न है, ऐसे याद रख सकते हैं कि इनफाइनाइट पोटेंशियल था इन लोगों के पास, तभी इन लोगों को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, भारत रत्न, क्योंकि आर्ट को इस तरीके से इनफाइनाइट बना सकते हैं, बिकॉज इनके पास था इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो 9th में हो गया हमारा एम्बेसडर, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एम्बेसडर है, एंड देन गवर्नर चीफ मिनिस्टर जो अपनी स्टेट्स के बाहर गए हुए हैं किसी काम से, तो वहां पे अगर कुछ फंक्शन हो रहा होगा तो उनको 9th नंबर पे रखा जाएगा। अदरवाइज किस नंबर पे थे ये जो भी थे, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, तो गवर्नर तो 4th नंबर पे थे, देन गवर्नर आगे 8th नंबर पे, एंड जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो जो भी है चीफ मिनिस्टर को 7th नंबर पे थे, वो आ गए 8th नंबर पे। अगर वो अपनी स्टेट्स के बाहर चले जाते हैं तो उनकी रैंक गिर जाती है। देन 9th पे हमारे आते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमने हमने देखा था 8th में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल मतलब उनको भारत रत्न मिलेगा, भारत रत्न हो गया। देन 9th पे वी हैव सीन जो फॉर्मर जैसे जो चीफ मिनिस्टर है और जो गवर्नर है अपनी स्टेट्स के बाहर है वो आ जाएंगे, एज वेल एज जो एम्बेसडर है नेशन में। देन 10th में हमारे क्या आ गए, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ना दीजिए सुप्रीम कोर्ट जजेस, सो भारत रत्न के होल्डर है वो 7th है, इसे 7th ही बोलेंगे, इनफाइनाइट वाले नहीं है। 8th वाले में तो एम्बेसडर आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए, गवर्नर्स आ गए, तो भारत रत्न वाले 8th नंबर पे नहीं है, ये 7A नंबर पे हैं, तो भारत रत्न होल्डर। नाउ देयर इज अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 9th नंबर पे आते हैं, उसके बाद यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड कैग, फिर आते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ लोकसभा ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। तो ये 10 टॉप 10 याद रखें, फिर अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सब आ जाते हैं। सारे याद नहीं रखने, टॉप 10 याद रख लिए, क्वाइट एनफ फॉर अस। वैसे कितने दे रखे, 26 लास्ट में दे रखा है जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिसर ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक एंड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द मेजर जनरल एंड इक्विवेलेंट रैंक। वी विल जस्ट हैव टू रिमेंबर टॉप 10 और टॉप 11। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन स्पीकर ऑफ लोकसभा, एक ही लेवल पे है। देन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा लोकसभा, होल्डर्स ऑफ द भारत रत्न डेकोरेशन, एंड देन एम्बेसडर जो भी है कॉमनवेल्थ के, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स आउटसाइड द स्टेट्स एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट आउट साइड द स्टेट्स, चीफ एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, कैग, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द लोकसभा एंड द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग एंड द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन एंड एनी अदर मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिफेंस मैटर। तो कैबिनेट मिनिस्टर ऊपर आते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं नॉर्मल, तो वो सारे यहाँ पे आते हैं इन द 10th नंबर अलोंग विद द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन एंड एनी अदर मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिफेंस मिनिस्टर। देन लाते हैं हमारे 11th नंबर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर विद इन द रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नीचे आते हैं, इवन जो गवर्नर्स हो गए 4th नंबर पे एंड देन गवर्नर हो गए जो अपनी स्टेट्स के बाहर गए, ऊपर से फिर लास्ट में आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ये 11th नंबर पे, तो उनकी रैंक काफी कम है। So watch this video again and again to remember the table of precedence. Not easy to remember, but all that we can do, we can have familiarity with the topic. We can have familiarity with the ranks. Okay, so let's see that we have to remember only top 10. Okay, thank you.